नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो के बारे में। हाल ही में महिंद्रा ने अपनी एक्सयूवी 7W को अनवील किया है और इसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया है, जिसका फर्स्ट बैच जो है बनकर तैयार हो चुका है और इसके इमेजेस भी सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो कब लॉन्च होगी, इसके इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइन और इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे इस बारे में बताऊँगा। ये जो आप फोटोज देख पा रहे होंगे इसे स्पेस शॉट्स के आधार पर rushland.com ने रेंडर किया है, जो इसके जो क्रेडिट है वो rushland.com को जाते हैं। इंडिया के अंदर जो न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो को जब भी टेस्ट करते हुए देखा गया तो इसके जो टेस्टिंग मॉडल थे वो पूरी तरह से कैमोफ्लेज से कवर किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इसके कई सारे फीचर जो है निकल कर सामने आए हैं। जैसे कि न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो के अंदर आपको सनरूफ देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको बिल्कुल ब्लैक कलर का इंटीरियर देखने को मिलने वाला है। अब बात करें इसके एक्सटीरियर डिजाइन के बारे में, तो इसके फ्रंट में आपको महिंद्रा की सिग्नेचर फ्रंट ग्रिल और डुअल चैम्बर LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेंगे। इसके रियर साइड में आपको फुली LED टेल लैम्प्स, रियर स्पॉइलर, शार्क फिश एंटीना, रूफ रेल्स और हाई स्टॉप माउंट लाइट देखने को मिलने वाली है। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको साइज की बात करें तो न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो को पहले से ज़्यादा बड़ा रखा गया है, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो भी बढ़ा दी गई है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से इसके अंदर आपको ज़्यादा कैबिन स्पेस भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात कर लेते इसके फ्रंट लुक के बारे में, तो इसके अंदर आपको महिंद्रा की नई सिग्नेचर फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी, जो कि अल्ट्रा जी फोर्स से इंस्पायर रहने वाली है। साथ ही इसके फ्रंट में आपको फुली यानी कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेगा और नीचे की साइड बम्पर के अंदर आपको सी शेप के LED DRS देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं फोटोज के अंदर। और इसके अंदर आपको बिल्कुल टॉप वेरियंट के अंदर आपको 17 या फिर 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स भी देखने को मिलेंगे। इसका जो एक्सटीरियर लुक है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी और जो पहले की तरह है वो बॉक्सी रखने वाला है, यानी कि इसका जो रियर डोर है वो भी पहले की तरह ही साइड यानी कि पहले जिस प्रकार से खुलता था साइड से उसी प्रकार से खुलेगा। और इसके अंदर आपको कई सारे प्रीमियम फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। बात करें इसके इंटीरियर की, तो इसके इंटीरियर में आपको देख पा रहे होंगे इसके अंदर आपको रूफ माउंटेड स्पीकर देखने को मिलने वाले हैं, जैसा कि एक्सयूवी 7W के अंदर भी दिए गए हैं। इसके अंदर आपको इंटीरियर में ऑल ब्लैक इंटीरियर और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको बड़ा टच स्क्रीन देखने को मिलेगा जो कि 9 या फिर 10 इंच का हो सकता है। और इसका इंटीरियर में आपको कई सारे प्रीमियम फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हैं AC कंट्रोल्स, ऑडियो कंट्रोल्स, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको जो 6 डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल जाएगा। जो न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो वो लेदर फ्रेम चैसिस पर डेवलप की गई है, ये न्यू थर्ड जनरेशन लेदर फ्रेम चैसिस पर बनाई गई है, जिस पर कि जो न्यू जनरेशन थार है वो भी बनाई गई है, तो जिससे पता चलता है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि ग्लोबल एनकेप के अंदर थार ने 5 out of 4 star रेटिंग की थी। तो यानी कि न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो भी क्रैश टेस्ट के अंदर काफ़ी अच्छी स्टार करने वाली है, यानी कि इसकी सेफ्टी जो है वो बिल्ड क्वालिटी जो ओवरऑल काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि जो करंट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो है उसने सेफ्टी के अंदर 0 star रेटिंग की थी, तो उसकी कंपैरिजन में न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो काफ़ी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।